बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वाइवा कनेक्ट करने जा रहे हैं जो कि DRE-II का है और सब्जेक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैं इसमें एज ए इंटरनल एड करूँगा और आमिर अमीन साहब जो है वो एज एक्सटर्नल एड करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आमिर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वाइवा को शुरू करें ताकि जो है इसको क्लोज कर सकें। जी आमिर साहब, वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो क्या होता है? सर, एक ऐसा सर्किट जो कि अपने इनपुट पर आने वाले वोल्टेज की तरफ रहने के बावजूद अपने आउटपुट को कॉन्स्टेंट रखे, वोल्टेज रेगुलेटर लेते हैं। आप ये बता दें कि वोल्टेज रेगुलेटर की टाइप्स क्या है? सर, वोल्टेज रेगुलेटर सब एक होता है कि शंट रेगुलेटर होता है, सीरीज रेगुलेटर होता है, और इसमें फर्दर एक और शाम आ जाती है मजबूत रेगुलेटर, इस टाइप की भी आ जाती है, इसमें कवर रेगुलेटर। ओके, आप ये बता दें कि सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, तो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? सर, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर में कंट्रोलिंग एलिमेंट जो होता है वो आउटपुट के सीरीज में होता है, इसलिए इसे सीरीज वोल्टेज, इनपुट और आउटपुट के सीरीज में। यस सर, ठीक है। ये जो है वो बक रेगुलेटर क्या होता है? बक रेगुलेटर ऐसा रेगुलेटर है जो अपने इनपुट पर आने वाले वोल्टेज को कम भी कर सके और ज़्यादा भी कर सके। आप बता दें बक रेगुलेटर। बक रेगुलेटर ऐसा रेगुलेटर जो अपने इनपुट पर आने वाले वोल्टेज की निस्बत आउटपुट पर कम वोल्टेज देता है। बक रेगुलेटर जो बक रेगुलेटर होता है उसके वोल्टेज कम होते हैं। बक जो बूस्ट होता है, जो बक बूस्ट होता है वो अप एंड डाउन होता है। तो याद हो कोई चीज स्टेबलाइजर का यूज किया जाती है, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर के सिस्टम में। आप जानते ट्रांसड्यूसर क्या होता है? सर, एक ऐसा कंपोनेंट है ऐसा जो कि एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। ओके, आप जो है वो इसकी डिफरेंट टाइप्स बता सकते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के अखबार से किस तरह के होते हैं? इसमें बेसिक टू टाइप्स हैं, एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, एक पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है सर, वो बेरोनी सप्लाई का इस्तेमाल नहीं करता और बेरोनी सप्लाई का इस्तेमाल किए बगैर एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में तब्दील करता है। जो पैसिव होता है वो बेरोनी सप्लाई को यूज करके एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में तब्दील करता है। इसकी काम करने के अतबार से, यानी कि जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, प्रिंसिपल के अखबार से इनकी कोई ग्रुपबंदी है? यस सर, सर रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर है, इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर है और कैपेसिटेंस टाइप ट्रांसड्यूसर है। ठीक, इसके अलावा एक और करंट और वोल्टेज टाइप ट्रांसड्यूसर है, वो उनके बेस पे। ठीक, आप ये बता दें ये रेजिस्टेंस टाइप जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो मतलब क्यों उनको रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर? क्योंकि वो हमारे जो फर्दर इफेक्ट होता है उसको रेजिस्टेंस में तब्दीली की बिना पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल मुहैया करते हैं। जैसे जैसे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वो कम इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस कम होती है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करते हैं, जिसको रेगुलेट करके तो ट्रांसड्यूसर। इसलिए कहते हैं कि ये जो एनर्जी की कन्वर्जन है, ये बैरूनी जो आप फिजिकल क्वान्टिटीज के ऊपर अप्लाई करेंगे उसकी वजह से उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो गई और उस चेंज की वजह से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर चेंज हो गए और वो जो है वो आउटपुट होते हैं। ठीक है, अच्छा आप ये बता दें कंट्रोलर जो है वो कितनी टाइप्स के? बेसिक कंट्रोलर की तीन हिसाब है, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर और डिफ्रैक्शनल कंट्रोलर। आगे इनको भी डेरिवेटिव कंट्रोलर कहते हैं, डेरिवेटिव कंट्रोलर। फिर आगे सर, आगे इनको प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी कंट्रोलर बनाएंगे। आप बता दें ऑफसेट एरर क्या होता है? ऑफसेट एरर आपको बता सर, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान का फायदा है। ओके, मेजर्ड वैल्यू जो आप करते हैं एक्चुअल में जो वैल्यू है उसको उतना अगर कोई फर्क होगा तो उसे ऑफसेट एरर। और ये इन कंट्रोलर का बेसिक मकसद यही होता है कि इसके अंदर जो है एरर को मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर एरर जो है वो काबिल मुताबिकूल नहीं है। ठीक है, ऑन ऑफ कंट्रोलर को ऑन ऑफ कंट्रोलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाई वैल्यू यानी कि ऑन और मिनिमम वैल्यू यानी कि ऑफ के प्रिंसिपल के तहत जो है वो रेगुलेट करता है वोल्टेज को। वोल्टेज की आप बात है कोई आप एग्जांपल बता दें सर, जो हीटर वगैरह हो गया, ऑटोमेटिक हीटर, रेफ्रिजरेटर, कूलिंग स्विचिंग के जरिए कूलिंग को कामयाब कंट्रोल करता है। टेंपरेचर कंट्रोल डिवाइस के, कूलिंग कंट्रोल डिवाइस के सारे इसमें आ जाते हैं। आप कंट्रोलर आप बता दें फोटो ट्रांजिस्टर और फोटो डायोड के कितने टर्मिनल होते हैं? सर, फोटो ट्रांजिस्टर के तो सर तीन टर्मिनल होते हैं और फोटो ट्रांजिस्टर के तो उसका तीसरा टर्मिनल हमने क्या करना है? सर, उसका तीसरा टर्मिनल बेस होता है, इसका बेस होता है, लेकिन वो नजर नहीं आता फिजिकली। फिजिकली यूजीटी को
इस पर्पस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। सर यूजीटी से हम तीन तरह के काम दे सकते हैं, साधु प्रेम से पैदा कर सकते हैं, पॉजिटिव पल्सेस हासिल कर सकते हैं और नेगेटिव पल्सेस से। एक्चुअली मैंने टाइमिंग सर्किट्स का जब आप करते हैं कि नहीं जाती है ऑसिलेशन जो है वो नहीं जा सकती। ठीक है, आगे बता सकते हैं कि जो है इसकी यूजीटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की मुझे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी है, तो उसके अंदर कोई ऐसा पैरामीटर है जो चेंज है तो एमिटर के रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को तब्दील किया जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया जाए दोनों को, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और अगर इनकी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को मिनिमम कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। आप उसकी रीज़न बता सकते हैं कि अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे कम या कम करेंगे तो इसकी वजह से कैपेसिटेंस स्टोरेज में टाइम ज़्यादा स्टोरेज ज्यादा या कम होगा, इसकी वजह से बहुत जल्दी चार्ज या डिस्चार्ज होगी, इस वजह से फ्रीक्वेंसी में फर्क आएगा। एक्चुअल में जो जो टाइमिंग पल्सेस है उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर डिपेंड करता है। इफ यू इंक्रीज द रेजिस्टर और कैपेसिटर व्हाट हैपेंस इट टेक मोर टाइम टू चार्ज एंड डिस्चार्ज, सो जो पल्सेस होंगी वो थोड़ी सी डिले में ज्यादा होगी। इट्स ओके, ठीक है।